सिंथेसिस, यही पढ़ रहे हो ना। और सिंथेसिस की आज ये लास्ट क्लास है। सिंपल भी मैंने पढ़ा दिया, कंपाउंड भी पढ़ा दिया, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ा जाता है। अगर आपने सिंपल और कंपाउंड को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट है क्विक रिवीजन की, जिसमें आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप जरूर देख लीजिए। और आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है नाउन क्लास की, या एडजेक्टिव क्लास की, या एडवर्ब क्लास की। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन क्लास को, यानी नाउन क्लास का प्रयोग करके हम कब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। देखो, जब एक वाक्य में कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, एक वाक्य में कुछ किया गया हो, एक वाक्य में कुछ कहा गया हो, एक वाक्य में कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा वाक्य उसको एक्सेप्ट कर रहा है या उसको रिजेक्ट कर रहा है, स्वीकारने या अस्वीकारने का काम कर रहा है या उसका समर्थन कर रहा है, तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास की आवश्यकता पड़ती है। रूल लिखिए ना, जब एक वाक्य में कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, दूसरे वाक्य जो है वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का काम करे, तब नाउन क्लास का प्रयोग करते हैं। नाउन क्लास से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है कुछ कंजक्शन की, जैसे कि दैट की, इफ की, या तो फिर हम WH वर्ड्स का प्रयोग कर लेते हैं। कब किसका प्रयोग करेंगे उसको हम इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आपने रेशन पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा जैसे वहां पे एसरेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन के रूप में दैट लगाते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम इफ का प्रयोग करते थे, और डबल इंट्रोगेटिव उसी का पार्ट है उसको जोड़ने के लिए WH का प्रयोग करते थे, WH वर्ड का। वही सेम रूल यहां भी अप्लाई होगा। जैसे देखो, सेंटेंस है ही विल नॉट कम, इट इज सर्टेन, वह नहीं आएगा, यह निश्चित है। देखा जाए तो इधर कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है वह नहीं आएगा, और इधर इस सेंटेंस ने क्या किया है, बोला इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। इस सेंटेंस ने इस स्टेटमेंट को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। ऐसी स्थिति में हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो नाउन क्लॉज होता क्या है, ये जो कथन स्वीकारने या स्वीकारने का काम करता है ना, यही नाउन क्लॉज होता है। और आप ना जोड़ने के लिए यही करो, इस स्वीकारने स्वीकारने वाले कथन को पहले उठा लो, इसको बना दो नाउन क्लॉज, इसको हम पहले उठाएंगे और बनाएंगे नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज बनाने के लिए हमने क्या किया, उसको पहले उठाया, बोला इट इज सर्टेन। अब देखो, सेंटेंस एसरेटिव है, इसीलिए हमने बोला एसरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देना, दैट लगाओ और ये सेंटेंस छाप लो, दैट ही विल नॉट कम, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज अ फैक्ट। तो कैसे जोड़ेंगे, इट इज अ फैक्ट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। He is ill. I know that he is ill. You are reading English. It is known to all. So it is known to all that you are reading English. इस तरीके से हम complex sentence में जोड़ सकते हैं। आगे sentence है, Why do you learn English? Can you tell me? Why do you learn English? आपने अंग्रेजी क्यों सीखा? Can you tell me? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इधर कोई प्रश्न कर रहा है और इधर उसी प्रश्न के बारे में कुछ ना कुछ बातें हो रही है, स्वीकारने स्वीकारने का काम कर रहा है, कह रहा है क्या आप मुझे बताओगे क्यों सीखे। अब देखा जाए तो यहां पे जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव है, और ये सेंटेंस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करने रिजेक्ट करने या उसी के बारे में प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। इसको नाउन क्लॉज बनाएंगे, क्या बोलेंगे, कैन यू टेल मी। अब इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्वेश्चन, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव है और डबल इंट्रोगेटिव के लिए आप क्या करोगे, WH वर्ड्स का प्रयोग करोगे। कौन है WH वर्ड्स, वाई है, इसी वाई को बनाएंगे हम कंजक्शन और अब सेंटेंस को हम जोड़ देंगे, और अब एसरेटिव पैटर्न पर लिखेंगे। एसरेटिव पैटर्न का मतलब क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट होगा, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एसरेटिव का अफर्मेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट के एसरेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में नो हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हम वर्ब लिखेंगे, क्या हो जाएगा, लर्न इट, और फिर अपना ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। कैन यू टेल मी व्हाई यू लर्नड इंग्लिश।
आगे जो हमारा सेंटेंस है विल ही कम आई डू नॉट नो, क्या वो आएगा? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। इधर कुछ बातें कही गई, इधर कोई स्टेटमेंट दिया गया और इधर कह रहा है कि मैं नहीं जानता, अस्वीकार कर दिया। ऐसी स्थिति में भी हम नाउन क्लास का प्रयोग करेंगे और कैसे बोलेंगे? पहले हम नाउन क्लास को उठा लेते हैं। क्या है? आई डू नॉट नो। ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव। और ऐसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे? इफ का प्रयोग करोगे। तो क्या बोलोगे? इफ। अब आइसरेटिव बनाओगे ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी क्या? विल। और उसके बाद क्या हो जाएगा? कम। आई नॉट नो इफ ही विल कम। इस तरीके से हम नाउन क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं कि हम कैसे एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करेंगे, कब और कैसे करके दो या दो से अधिक वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ेंगे। देखो, एडजेक्टिव क्लास से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको पहले जानना होगा कि कब एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हैं। देखो, जब एक वाक्य में आई हुई नाउन या प्रोनाउन के बारे में दूसरा वाक्य कुछ बताने का काम कर रहा होगा, दूसरा वाक्य मॉडिफाई करने का काम कर रहा होगा उस नाउन या प्रोनाउन को, तब आपको एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना होगा। लिख लिए? एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है रिलेटिव प्रोनाउंस की या रिलेटिव एडवर्ब्स की। कहीं कहीं रिलेटिव प्रोनाउंस प्रयोग हो सकते हैं, कहीं कहीं रिलेटिव एडवर्ब्स लग सकते हैं। आप थोड़ा सा हिंदी निकालना और उसके बाद जो अर्थ निकलेगा उसी के अनुसार जोड़ना, जैसे कि अभी हम लोग समझेंगे तो आ जाएगा। डोंट वरी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होती है? हु, हूज, हुम, विच, दैट, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, दीज आर रिलेटिव एडवर्ब्स। इनका कैसे प्रयोग करेंगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई रेड अ बुक, द बुक वॉज न्यू। मैंने एक किताब पढ़ी और वो किताब नई थी। यानी इस वाक्य में जो नाउन आई है, इस नाउन के बारे में ही ये वाक्य बताने का काम कर रहा है। इसको बनाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज। अब ध्यान देना, एडजेक्टिव क्लॉज से जोड़ने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते समय इन कंजक्शन, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग करना है ना, इनको कोशिश करो जिसके बारे में ये बता रहे हैं, दूसरा वाला वाक्य नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज जिसके बारे में बता रहा है उसके बगल ही लिखा जाना चाहिए। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो सब्जेक्ट के बगल लिखा जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो ऑब्जेक्ट के बगल लिखा जाना चाहिए। जैसे देखो, अब यहां पे बुक के बारे में बता रहा है तो दो बुक के बगल में लिखा जाना चाहिए। क्या बोलूंगा? आई रेड अ बुक। अब ये बुक क्या है हमारी? निर्जीव है। और निर्जीव के लिए आप ध्यान देना, निर्जीव के लिए किसका प्रयोग करेंगे? विच का। सजीव के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हु का। ऑब्जेक्टिव केस में किसका प्रयोग करेंगे? हुम का। पजेसिव केस में किसका प्रयोग करेंगे? हूज का। ध्यान रखो, अब देखो, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो बुक है वो क्या है? नॉन लिविंग है, जिसकी वजह से हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? विच का। विच। अब द बुक का काम खत्म हो गया क्योंकि इसके बदले में हमने ये यूज कर लिया और हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया वाज न्यू, से हमने एडजेक्टिव क्लॉज को लिख दिया। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इसका संबंध है, इससे बना दिया और अब हमारा अपना एडजेक्टिव क्लॉज लिख दिया, आई रेड अ बुक विच वॉज न्यू। अच्छा, इसको जोड़ोगे दो वाक्यों को, ऊपर के वाक्यों को, क्या बोले? मैंने किताब पढ़ा जो नई थी। हु या विच का मतलब ही होता है जो। हाउ का मतलब क्या है? कैसे या जैसे। वेन का मतलब क्या है? कब या जब। तो यहां पे जब के अर्थ में। वाई का मतलब क्यों, यानी रीजन के लिए। वेयर का मतलब कहां, यानी जहां के अर्थ में। ध्यान दो, तो अब यहां पे हु और विच का प्रयोग जो के अर्थ में, हुम का प्रयोग जिन्हें, या हुज का प्रयोग जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में करेंगे। The boy was beaten, he abused the students. लड़का पीटा गया था, उसने बच्चों को यानी विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को गाली दिया था। लड़का वो पीटा गया जिस, उस लड़के ने क्या किया था? विद्यार्थियों को गाली दिया था। कैसे जोड़ोगे? लड़का यानी कि वो लड़का पीटा गया जिसने विद्यार्थियों को गाली दिया था, जिसने ना। अब जिसने के लिए भी हमें किसका? सजीव है ना। सजीव में हम हु का प्रयोग करेंगे कि विच का प्रयोग करेंगे? देखो, हम सब्जेक्टिव केस में हम यूज कर रहे हैं, यानी इस बॉय के बारे में,
ये वाला क्लास बताने का काम, ये वाला सेंटेंस बताने का काम कर रहा है, इसको बनाएंगे एडजेक्टिव क्लास, और एडजेक्टिव क्लास को उसके ही बगल लिखा जाना चाहिए जिसके बारे में वो बता रहा है। तो बॉय के बारे में बता रहा है तो हम द बॉय के बगल उस एडजेक्टिव क्लास को लिखेंगे, लेकिन एडजेक्टिव क्लास को जोड़ने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है रिलेटिव प्रोनाउंस की, और यहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में जोड़ रहे हैं ना, और सब्जेक्ट के रूप में जोड़ रहे हैं तो हमें आवश्यकता पड़ेगी हु की, क्या बोलेंगे, द बॉय हु, और अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसी के लिए हमने इसका प्रयोग कर लिया, रिलेशन बना दिया। अब हमें किसकी आवश्यकता है, इस एडजेक्टिव क्लॉज की, जो बताने का काम कर रहा है क्या है, हु अब्यूज्ड द स्टूडेंट्स। अब सेंटेंस छाप देंगे क्या है, वाज बीटन, वाज बीटन, समाप्त। दिस इज द प्लेस आई वाज टॉट हियर, ये वही जगह है मैं यहां पढ़ाया जाता था, यानी इसको कैसे बोलोगे, ये वही जगह है जो जो मुझे पढ़ाया जाता था, ये वही जगह है जिसने मुझे पढ़ाया जाता था, जिन्हें मुझे पढ़ाया जाता था, नहीं ना, ये सब क्या है, गलत, इस तरीके से नहीं जोड़ सकते। क्या बोलते हैं, ये वो जगह है जब मुझे पढ़ाया जाता था, ये वो जगह है जहां मुझे पढ़ाया जाता था, और जहां के लिए हमें रिलेटिव एडवर्ब किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वेयर की। क्या बोलेंगे, दिस इज द प्लेस, और अब हम इस सेंटेंस को अपने रिलेटिव एडवर्ब से जोड़ देंगे, जगह बताने वाले सेंटेंस को क्या बोलेंगे, वेयर। अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई वाज टॉट, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज टॉट, यू डिड नॉट कम, आई नो द रीजन, तुम नहीं आए, मैं कारण जानता हूं, मतलब मैं जानता हूं कि तुम क्यों नहीं आए, ऐसे ही बोलोगे ना इस दो अलग अलग वाक्यों को, तो क्यों, क्यों का प्रयोग करके जोड़ेंगे, यानी वाई, आई नो वाई यू डिड नॉट कम, मैं जानता हूं वो कब मरा, यानी मैं जानता हूं वो जब मरा, तो आई नो व्हेन ही डाइड, तो कब, जब, क्यों, कहां, सॉरी जहां, इन सब के अर्थों में, जब के अर्थों में, जहां के अर्थों में, क्यों के अर्थों में, जैसे कैसे के अर्थों में हमें आवश्यकता पड़ती है रिलेटिव एडवर्ब्स की, जो जिसने के अर्थों में हमें आवश्यकता पड़ती है रिलेटिव प्रोनाउंस की, और इस तरीके से हम वाक्यों को जोड़ते हैं। अब आगे आता है हमारा एडवर्ब क्लास, डियर एडवर्ब क्लास को हम इस वीडियो में ना कवर करके अपने व्हाट्सएप चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर उसका पूरा पीडीएफ बता दिया हूं, डाल दूंगा, और उस पीडीएफ के माध्यम से आप समझ जाओगे, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ कंजक्शंस जो लगने हैं उन्हें लर्न करना है, याद करना है, और कौन सी स्थिति में कौन से कंजक्शन को लगाना है उसकी मैं लिस्ट वहां पर आपको डाल दूंगा, वहां पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां से प्राप्त करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे सिंथेसिस की, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स से लेंगे, जो कि पूछे गए हैं पहले, उन सेंटेंसेस को लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। डियर आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना अगर इच्छा करे तो, थैंक यू सो मच।